प्रीवियस क्लास में हम लोग ये माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक थ्योरी, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने ये सीपी, सीवी, गामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी, वीआरएमएस, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब हम लोग उस पर जो है आगे प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लम्स का डिस्कशन जो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर बेस्ड जो है प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देखिए पहली प्रॉब्लम ये है, जैसे फोर पार्टिकल्स हैव स्पीड्स 2, 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली देयर आरएमएस स्पीड इज पहला ऑप्शन दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 27.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दे रखा है √54 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है √54/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ठीक है, ये कह रहा है कि ये मालिक फोर पार्टिकल्स हैं, इनके सबके स्पीड दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। आरएमएस स्पीड बताना है, तो आरएमएस स्पीड बराबर क्या होता है, वी आरएमएस मैंने आपको बताया था, वी आरएमएस का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है वी एवरेज के स्क्वायर, जो एवरेज होगा उसके जो उसके स्क्वायर्स का जो स्पीड सम के स्क्वायर्स का एवरेज निकाल लो तो वी आरएमएस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा n, n कितना 4 दे रखा है, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर प्लस 25 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक, ये आ जाएगा 25 16 41 9 50 454 54 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया वी आर एम एस का होल स्क्वायर। तो वी आर एम एस बराबर क्या आ जाएगा, वी आर एम एस कट हो जाएगा √54, इसका अंडर रूट ले लीजिए, इसका अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये इतना निकल के आ जाएगा इतना सेंटीमीटर पर सेकंड इतना। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से वी आर एम एस कैलकुलेट किया जाएगा, वी आर एम एस जो कैलकुलेट करेंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दूसरी लेते हैं, दूसरी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, इधर का द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड। द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स पहला 2x दे रखा है, सेकंड
हाफ दे रखा है, थर्ड फोर टाइम्स दे रखा है, फोर टाइम्स फोर्थ वन फोर्थ दे रखा है, वन फोर्थ वन फोर्थ ये दे रखा है। देखिए अभी आरएमएस स्पीड कर रहा है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड वी आरएमएस क्या होता है, अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय m, या 3m कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी वी आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी आरएमएस ये इक्वल हो जाएगा k इनटू रूट t। यहां t1 कितना है 27 प्लस 273, ये इक्वल टू आ जाएगा 300 केल्विन। T2 कितना हो जाएगा 927 प्लस 273, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200 केल्विन। ये इतना आ जाएगा, ये T1 T2 आ गए। तो यहां V1 RMS, चाहे इसको ऐसे लिखे V2 RMS डिवाइडेड बाय V1 RMS, ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाय T1। तो T2 कितना है 1200 डिवाइडेड बाय T1 300, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 4 V2 RMS डिवाइडेड बाय V1 RMS, ये इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी V2 RMS इक्वल टू 2x * V1 RMS बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस तरीके सवाल आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। चलिए देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस तरीके से जो फॉर्मूले हमने आपको बता रखा है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे, उस पर सवाल आएंगे, उस तरीके के सवाल करना है। देखिए दे रखा है फॉर हाइड्रोजन गैस CP-CV इक्वल टू ए दे रखा है। फॉर हाइड्रोजन गैस CP-CV ये कितना दे रखा है ए, एंड फॉर ऑक्सीजन गैस CP-CV ये इक्वल टू बी दे रखा है। So the relation between A and B is पहला A equal to 16 B 16 A equal to B C A equal to 4 B D A equal to B। देखिए यहाँ CP-CV ये equal to A दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए, CP-CV ये B दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए। तो CP-CV बराबर होता है R होता है, CP-CV इक्वल टू R, ये कांस्टेंट होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हाइड्रोजन के लिए कुछ और आएगा ऑक्सीजन के लिए कुछ और R होगा, ये कांस्टेंट बराबर होता है, लिहाजा A इक्वल टू क्या हो जाएगा B, ये इक्वल आएगा, ये दोनों बराबर किसी भी गैस के लिए जो होगा ये बराबर होता है, इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, A इक्वल टू B आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉलम देखें, देखिए
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. व्हेन एन आइडियल डायनेमिक गैस when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of the gas is पहला इसमें रखा है a equal to 2/5, b equal to 3/5, c equal to 3/7 and d equal to 5/7. देखिए यहां पर दे रखा है when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure constant होगा तो इस पे जो हीट दी जाएगी वो nCp delta T. The fraction of heat energy, इसका हीट एनर्जी कुछ फ्रैक्शन जो होगा इसका हीट है सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. जब भी आपसे फ्रैक्शन पूछेगा तो जिस चीज का फ्रैक्शन पूछता है वो ऊपर रहेगा और टोटल नीचे रहेगा तो टोटल हीट ये इतना है तो फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी कह रहा है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये इंटरनल एनर्जी बढ़ाना डेल्टा यू होता है. आगे नीचे टोटल हीट कितना हो जाएगा ये इतना तो डेल्टा यू अपॉन ये हो जाएगा क्यू आ जाएगा ये क्यू जितना आ गया ये इतना तो यहाँ पर ये हो जाएगा यानी ये इतना आ जाएगा एफ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू. ये एन सी वी डेल्टा टी होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इससे पहले वाली क्लास में बताया था इंटरनल एनर्जी अलग बताया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलग बताया था एन सी वी डेल्टा टी और ये टोटल हीट है एन सी पी डेल्टा टी. ये और ये कैंसिल हो जाएगा यह रहेगा CV अपॉन CP. डायटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 5/2R, CP की वैल्यू होती है 7/2R. ये कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 5/7. ये इतने कब गया है ठीक यहां पर ये आ गया. अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग दूसरे प्रॉब्लम. अब फ्रैक्शन जब भी निकाला जाएगा तो टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है और जिस चीज का पूछता है कि इसमें कितना फ्रैक्शन आया वो ऊपर लिखा जाएगा. चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग. अब ये बता दिया आपको. अच्छा अब दूसरे प्रॉब्लम द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यह भी करा चुका हूं उससे बेस्ड है. द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज 1260 मीटर पर सेकेंड. द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज
कितना आएगा? पहला ऑप्शन दे रखा है 1029 मीटर पर सेकंड, दूसरा दे रखा है 1161 मीटर पर सेकंड, तीसरा दे रखा है 1671 मीटर पर सेकंड, चौथा दे रखा है 917 मीटर पर सेकंड। ठीक, तब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला? VRMS, VRMS इक्वल टू बताया था, नहीं VRMS नहीं, VMP, VMP इक्वल टू बताया था अंडर रूट 2 RT अपॉन M। तो द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इतना, ये द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द मोस्ट आपको इसमें बताया था यहां पर VMP इक्वल टू जाएगा इसमें जो है 2 अपॉन 3 कर दिए इसको 3 RT अपॉन M, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये इतना हो जाएगा VRMS। तो VMP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 3 इनटू VRMS, अंडर रूट 2 अपॉन 3, अंडर रूट 2 अपॉन 3 इनटू VRMS, VRMS कितना है 1260, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिएगा लगभग अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक, 1029 मीटर पर सेकंड ये इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। इसके बाद जो है यहां पर नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट कॉलम, ये आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बता दिया, नेक्स्ट कॉलम देखो, तो यहां पर VRMS दिया था ना, VRMS और VMP का रिलेशन ये आता है VMP इक्वल टू रूट 2 अपॉन 3 इनटू VRMS के बराबर ये इतना आ जाता है। तो यहां पर चलिए देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, इसके बाद ये भी प्रॉब्लम मैं इससे पहले करा चुका हूं इस टाइप, एट व्हाट टेंपरेचर इज द आरएमएस वेलोसिटी, इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू डेट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल at 47 degree centigrade. At what temperature is the RMS velocity of a hydrogen molecule is equal to that of an oxygen molecule at 47 degree centigrade? At what temperature the RMS velocity? VRMS equal to under 3 RT upon M. At what temperature is the RMS velocity of hydrogen molecule? इज इक्वल टू द, ये हाइड्रोजन के लिए अगर ले लें, इज इक्वल टू द ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डेट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वीआरएमएस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 आरटी अपॉन एम, ये इतना आ जाएगा, इसमें 3 आर तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर वीआरएमएस, इसका वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन बताना है, दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 आरटी, ये कह रहा दोनों बराबर हो जाए किस टेंपरेचर पर, वीआरएमएस यहां पर हाइड्रोजन ये इक्वल टू वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन एट व्हाट टेंपरेचर अंडर रूट 3 आरटी अपॉन एम, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ये इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3 आरटी अपॉन ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय यहां पर एम ऑक्सीजन। ठीक, तो ये इनको आप सिंपलीफाई कर लीजिए, इनको सिंपलीफाई कर लेंगे 3R इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर T दोनों तरफ की स्क्वायर कर दिए तो ये T हाइड्रोजन अपॉन M हाइड्रोजन ये इक्वल टू T ऑक्सीजन अपॉन M ऑक्सीजन ये इतना बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड ये होना चाहिए एट व्हाट टेंपरेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये इतना, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है 80 केल्विन, बी दे रखा है -73 केल्विन,
सी दे रखा है 3 केल्विन, ठीक, डी दे रखा है 20 केल्विन, तो यहाँ पर हमको टी हाइड्रोजन चाहिए, टी हाइड्रोजन ये इक्वल टू आ जाएगा टी ऑक्सीजन डिवाइड बाई एम ऑक्सीजन इक्वल टू एम हाइड्रोजन, ये इतना जाए, ये कितना दे रखा है 47, ठीक, ये 47 दे रखा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2, इसका कितना होगा 32, तो ये कितना आ जाएगा 1/16, और 16 ये इतना आ जाएगा और ये इतना आ जाएगा 16 16 32 अप्रोक्सीमेट, ये तो कुछ गड़बड़ है, 20 केल्विन के आसपास आ रहा है ये 40, अच्छा ये 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 47 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। टेम्परेचर जहाँ कहीं अकेला होगा इसको केल्विन में कन्वर्ट करके रखेंगे, ये हो जाएगा 7 3 10, ये हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 3 320, ये इतना निकल के जाएगा 320 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 32 32 एक जीरो बचेगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 20 निकल के जाएगा 20, तो ये 20 के लिए ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है दोनों के वो टेम्परेचर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बताइए जिससे कि 47 के ऑक्सीजन 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ऑक्सीजन की वीआरएमएस होगी इसके बराबर हो जाएगा इस टेम्परेचर के, तो दोनों की वीआरएमएस लिख करके इक्वेट कर दिया निकल करके आ गया। नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, नेक्स्ट कॉलम क्या हो सकती है इसमें, चलिए देखिए अब नेक्स्ट कॉलम देखते हैं इस पर बेस्ड क्या है। नेक्स्ट कॉलम यह है द एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी, द एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी, द एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड आरएमएस स्पीड, एंड आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस, इन सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन और 6.21 × 10⁻²⁻ जूल एंड 484 इतना मीटर पर सेकंड respectively the corresponding values at 600 kelvin are nearly ठीक। अब ये चीजें बतानी है 600 kelvin पे हमको क्या बताना है, एनर्जी बताना है और वीआरएमएस स्पीड बताना है 10⁻²⁰ जूल और यह आ जाएगा 968 मीटर पर सेकंड, बी 8.78 × 10⁻²⁰ जूल कॉमा 684 मीटर पर सेकंड, यह है सी 6.21 × 10⁻²⁰ जूल × 968 मीटर पर सेकंड, डी 12.42 × 10⁻²⁰ जूल कॉमा 684 मीटर पर सेकंड। वे 300 पे तो दे रखा है 300 केल्विन पर
300 केल्विन पर हमको टेम्परेचर 300 केल्विन, स्पीड एनर्जी कितना रखा है 6.21 इंटू 10 की पावर माइनस 21 जूल, आरएमएस स्पीड कितना दे रखा है, वीआरएमएस ये रखा है 484 इतना मीटर पर सेकंड। हमको बताना है कितने पे है, टी इक्वल टू 600 केल्विन पर ये इतना बताना है, 600 केल्विन पर, 600 केल्विन पर ई बताना है कितना है और वीआरएमएस बताना है ये कितना है, दो चीजें कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये ई इक्वल टू होता है 3/2 kT, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, तो हमको E2/E1 ये इक्वल टू हो जाएगा T2/T1, K के कैंसिल हो जाएगा, ये 600 डिवाइडेड बाय 300 इनटू E1, E1 कितना रखा है 6.21 इनटू 10 की पावर माइनस 21 ये इतना गिवन है, ये 0 कैंसिल 2 ये जाएगा 12.42 इनटू 10 की पावर माइनस 21 ये इतना जूल, ये इतना निकल कर आ जाएगा, ये इतना जूल निकल कर आ जाएगा 12.42 इनटू 10 की पावर माइनस 21। अभी हमारे पास दो में है, एक ये है एक ये, ये दोनों को नहीं हो सकते, अब इसमें और इसमें चांस है कौन सा होगा। अब वीआरएमएस दोनों के अलग अलग, वीआरएमएस निकालें, वीआरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के बराबर होता है वीआरएमएस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, तो वीआरएमएस V2RMS ये इक्वल टू हो जाएगा K into root T divided by V1RMS, ये इक्वल टू हो जाएगा K into root T2 हो जाएगा और ये T1 हो जाएगा, दोनों डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा V2RMS divided by V1RMS, ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट T2 divided by T1, ये कितना है अंडर रूट 600/300, ये कैंसिल, ये 2 आ जाएगा यानी 1.4 हो जाएगा, यानी V2RMS इक्वल टू हो जाएगा 1.4 इनटू V1RMS ये जाएगा 484 के बराबर आ जाएगा, तो ये जाएगा 14 4 56 ये जाएगा 14 8 112 112 5 17 आ जाएगा 14 4 56 56 और 11 56 66 66 67 68 ये 68 ये जाएगा 68 684 दो पॉइंट बाद डेसिमल लग जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट जो आ रहा है 684 ये 964 ये इतना ये आएगा नहीं, तो ये लगभग जो है 684 ये इतना मीटर पर सेकंड ये आया, ये एनर्जी ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें दो सवाल है, हो सकता है कि आपसे एक ही पूछा जाए, एनर्जी डायरेक्ट E2/E1 इसको टू T2/T1 डायरेक्ट निकाल लिए जस्ट डबल हो जाएगा, एक ही सवाल पूछ ले जाए वीआरएमएस पूछ लेगा खाली वीआरएमएस पूछे, ये चीजें हैं, ये इससे आपको एक तो ये हो गया। इसका नेक्स्ट कॉलम हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कॉलम देखते हैं इसी एनर्जी पे बेस्ड और दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम द एवरेज कंसंप्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2, इसका मोलर मास दे रखा है m दे रखा है 32, मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर is 0.048 electron volt.
द ट्रांसलेशनल करंट एनर्जी, द ट्रांसलेशनल, द ट्रांसलेशनल करंट एनर्जी ऑफ एन टू मोलर मास इसका दे रखा है 28 मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज एट द सेम टेम्परेचर इज पहला ऑप्शन दिया है इसमें 0.0015 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है एट सेम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है 0.003 0.048 डी रखा है 0.768 ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा। देखिए एनर्जी क्या है, एनर्जी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, चाहे नाइट इसको मैंने कॉन्सेप्ट लिखा रखा है, चाहे नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या और हीलियम हो कोई भी गैस हो अगर टेम्परेचर सेम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी, उसके नेचर पर मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर क्या है सेम है, इसलिए जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी इसकी भी होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन की भी वही होगी जो ऑक्सीजन की तरफ है, लिहाजा इसका ये वाला करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट कॉलम देखते हैं हम लोग, इस तरीके से और प्रॉब्लम आएगा, रेशियो पूछेगा तो रेशियो भी निकाल रख दीजिएगा, जैसे ये एक प्रॉब्लम ले लेते हैं यहां पर, अ वेसल कंटेंस, अ वेसल कंटेंस, अ वेसल कंटेंस अ मिक्सचर ऑफ, अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन and 2 mole and 2 moles of nitrogen at 300 Kelvin, at 300 Kelvin the ratio of the average translational kinetic energy per O2 molecules to that per N2 molecules is pehle de rakha 1:1, सेकेंड दे रखा है 1:2, थर्ड दे रखा है 2:1, फोर्थ दे रखा है 2:1, ये 1:2 है, 1:1, 1:2, 2:1 और ये दे रखा है डिपेंड्स अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, वेसल कंटेंस ए मिक्सचर ऑफ, एक बर्तन के अंदर दो गैसेस का मिक्सचर है, 1 मोल ऑक्सीजन है और 2 मोल नाइट्रोजन है, दोनों 300 केल्विन पर है, यानी दोनों गैसेस का टेम्परेचर बराबर हो गया, दोनों गैसेस का टेम्परेचर बराबर तो क्या हो जाएगा E1 = E2, इसलिए दोनों का अगर बराबर होगा तो रेशियो निकालेंगे क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, ये हो गया, ये आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है कुछ
कुछ दूसरी टाइप की एनर्जी बेस ले ली और आपको अब जो बताया तो दूसरे कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अब दूसरा कौन सा पी है, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is, अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 4 RT 15 RT 9 RT 11 RT ठीक। इंटरनल एनर्जी क्या रहता है, इंटरनल एनर्जी का आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ये इक्वल टू हाफ म्यू आर एफ टी, ये बताया था पहले। करा गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 mole ऑफ ऑर्गन, तो ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो हाफ म्यू कितना दे रखा है 2 R, एफ कितना हो जाएगा, अभी ऑक्सीजन डायटॉमिक गैस है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5, एफ ओ कितना हो जाएगा 5, टेम्परेचर टी टी रखिए ये दो कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा 5 RT, ये इतना जाएगा। फिर ऑर्गन का निकालेंगे AR, ऑर्गन का निकालेंगे तो हो जाएगा हाफ म्यू, म्यू कितना रखा है 4, एफ ऑर्गन मोनोएटॉमिक गैस है, एफ ए आर ऑर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना, और इनटू आर इनटू टी ये इतना जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा 6 RT, ये इतना जाएगा। टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा यू ओ प्लस यू ए आर, ये आ जाएगा 5 RT 6 RT, ये आ जाएगा 5 RT प्लस 6 RT, ये कितना हो जाएगा 11 RT के बराबर आ जाएगा, 11 RT ये आंसर आ गया। ये सवाल मैंने आप देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब आपको दूसरे कॉन्सेप्ट पे लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक। यहां पर जैसे दे रखा है नेक्स्ट प्रॉब्लम ये 70 कैलोरीज ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 moles ऑफ एन 2 moles
आइडियल गैस, टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड the amount of heat required in calorie to raise the temperature of gas through the same range 30 degree centigrade to 35 degree centigrade at constant volume is पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 30 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 50 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 70 कैलोरी, चौथा ऑप्शन दे रखा है 90 कैलोरी। कितनी जरूरत पड़ेगी? देखिए कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर जो है 70 कैलोरी हीट दी जा रही है, 70 कैलोरी हीट दे रहा है। रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ एन इक्वल टू 2 मोल दे रखा है ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, जिससे कि टेंपरेचर कहां से कहां तक बढ़ रहा है उसका 30 से टेंपरेचर कितना जा रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये इतना टेंपरेचर बढ़ रहा है। 2 मोल गैस का टेंपरेचर 30 से 35 तक बढ़ाने के लिए प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए 70 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ रही है। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरी टू रेज द टेंपरेचर, कितनी रेट द टेंपरेचर, इतने ही टेंपरेचर बढ़ाने के लिए उतने ही गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम में कितनी हीट, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके हीट किया जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके हीट किया जाए इतने ही रेंज, तो कितनी कैलोरी जरूरत पड़ेगी। ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे है एनसीपी डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा, ये 70, ये 2, ये सीपी डेल्टा टी कितना आ जाएगा 35 माइनस 30, ये 5 आ गया 10, सीपी की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो सीपी माइनस सीवी ये इक्वल टू होता है आर, सीपी इतना माइनस आर कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, सीपी वैल्यू कितना निकल गया भाई, ये आ गया 7 के बराबर, हमको सीवी चाहिए तो सीपी माइनस सीवी इसको डू जाएगा, ये सब कैलोरी दे रखा है तो कैलोरी में इसकी वैल्यू होती है 2 अप्रोक्सीमेट, इधर लाएंगे तो 7 माइनस 2 ये इक्वल टू सीवी, सीवी वैल्यू कितना निकल गया 5 के बराबर निकल गया सीवी। तो अब क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम को एन सीवी डेल्टा टी, ये इतना आ जाएगा कितने 2 मोल सीवी 5 डेल्टा टी कितना हो जाएगा 35 माइनस 30 ये आ जाएगा 5, 2 इनटू 5 इनटू 5 ये आ जाएगा 50 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड कांस्टेंट वॉल्यूम पे 50 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी, जिससे इसका वॉल्यूम, जिससे इसका टेंपरेचर 30 से 35 तक बढ़ेगा, टेंपरेचर को कांस्टेंट, ये वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। तो ये इस पर बेस मैंने कुछ प्रॉब्लम्स कराया, एक प्रॉब्लम और देखते हैं, ये गांव मिक्सचर का जो है, गांव मिक्सचर अगर इनको मिक्स कर दिया जाए, ये आपको मैंने नहीं बताया था, ये आपको एक प्रॉब्लम करा देता हूँ। देखिए देखता हूँ अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ, होनी चाहिए वैसे प्रॉब्लम। ठीक, जैसे रखा है और वन मोल ऑफ अ गैस विद गामा इक्वल टू दे रखा है 5 by 7 upon 5 is mixed
with mixed with 1 mole of gas with gamma equal to 5/3, then the value of gamma of the following mixture is या IAS में भी आया है, ट्रिपल ई में भी आया है, यूपी में भी आया है, सीट में भी, अब नीट में आने के चांसेस हैं, जेई में भी आया है, ठीक, मतलब जेई में आ चुका है और AIAS के क्वेश्चन में भी आया है, डी अगर कोई रिस्पॉन्स करें। देखिए मैंने आपको बताया क्या था, ये दो गैसेज हैं, एक कैरमन कितना दे रखा है 1 मोल, दूसरे कितना दे रखा है 1 मोल इज मिक्स विद 1 मोल ऑफ 1 मोल, दूसरा गैस भी 1 ही मोल लिया गया, 1 मोल इसका, हाँ उसका भी 1 ही मोल ले रखा है, N2 भी दे रखा है 1 मोल, दोनों नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, कराए मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। हमने आपको गामा मिक्सचर बताना है, तो गामा मिक्सचर हमने आपको बताया था फॉर्मूला, ये होता है N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 डिवाइडेड बाई N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। कभी गलती से ये मत लिखना, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, कहीं कहीं आपको ये गिवन मिलेगा किसी बुक में, तो आप ये गलत है, रॉन्ग है, ये लिखा जाएगा, तो गामा बराबर Cp/Cv होता है। अच्छा, अब Cv इसका दे रखा है, गामा दे रखा है 7/5, कौन से गैस गामा होता है, डायटर्मिक गैस, ये डायटर्मिक गैस आ गया, इसका Cp 7/2R, Cv 5/2R, ये हो जाएगा, फिर इसका गामा दे रखा है, इसका गामा दे रखा है 5/3 किसका होता है, मोनो होता है, इसका Cp 5/2R, इसका Cv ये जाएगा 3/2R के बराबर है। अब यहाँ पर गामा मिक्सचर रखिए, गामा मिक्सचर N1 1 मोल, इसका Cp1 कितना हो जाएगा, ये पहली वाली गैस ही है, 7/2R के बराबर हो जाएगा, प्लस फिर हो जाएगा 1 मोल, N2 1 मोल दे रखा है, N2 वहां पर 1 मोल, यहाँ पर N2, Cp2 कितना दे रखा है, Cp2 इसका Cp दे रखा है 5/2R डिवाइडेड बाई N1 1 मोल, Cv1 इसका दे रखा है 5/2R, प्लस ये हो जाएगा 1 × 3/2R, ये आ जाएगा 2R, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा ये 7 आ जाएगा, 7 + 5 = 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 3, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, Cv तो ये इतना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो ये 3/2 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, एंड 1 मोल ऑफ एन ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ एन ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ गैस विद गामा 7/5, 7/5 डायटर्मिक गैस का होता है, इसका Cp 3/7/2, ये था 7/2R, फिर इसका 1 मोल ऑफ गैस विद गामा 5/3, वो मोनोटॉमिक गैस के लिए होता है, इसकी Cp को 5/2R, फिर यहाँ पर ये इसका Cv और इसका Cv 2R हर जगह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये 7 + 5 = 12, 5 + 3 = 8 और ये हो जाएगा 3/2, ये आंसर है, यहाँ पर 2 मोल होना चाहिए, वही हमको डाउट था पहले भी, यहाँ पर 2 मोल होना चाहिए, बहरहाल इस पे तो जो इन्होंने दिया है वो निकल करके आ गया है, और ये क्या कहते हैं 4 चौक, ये अच्छा ये आंसर दे रखा है, ये अगर देखें कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ये 4 से 24 और ये 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3/2, हाँ यही वाला करेक्ट होगा, इसको चाहे आप ये इतना ले लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये 3/2 करेक्ट आया, 3/2 डिवाइड बाय इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 24/16, ये 24/16, ये 3/2 के बराबर है, यही वाला ऑप्शन ये राइट रहेगा, ये इस पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए माइक्रोस्कोपिक पॉइंट से। एक रह गया है, ट्यूब में जब मरकरी डालते हैं, ट्यूब को टिल्ट करते हैं, ठीक है, वो माइक्रो में ही आता है, ठीक, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी करा दूंगा।
एक बाकी माइक्रो के पॉइंट ऑफ से।